काइन मास्टर से आप आवाज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। काइन मास्टर आप ओपन कर लीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, न्यू क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, 16.9 सेलेक्ट कर लीजिए, अगर शॉर्ट है 9.16 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप फाइल्स में से जिस वीडियो का आवाज़ चेंज करना चाहते हैं वो वीडियो आप सेलेक्ट कीजिए। हमने ये वीडियो सेलेक्ट कर लिया, इस वीडियो का मेरा आवाज़ चेंज करना है। वीडियो पे आप क्लिक कीजिएगा, ऑलरेडी ऑप्शन आ जाता है, वॉइस चेंजर पे सिंपली आपको क्लिक करना है। इधर दिख रहा होगा वॉइस चेंजर, इस पे ही आपको क्लिक करना है। वॉइस चेंजर पे, वॉइस चेंजर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। नॉर्मल पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका आवाज़ जो है पहले से वही रहेगा। नीचे जैसे देखिए अभी क्लिक किए, देख रहे आवाज़ चेंज हो गया, और नीचे दबाइएगा और आवाज़ चेंज हो जाएगा। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आवाज़ चेंज होता जाएगा। इसमें देख रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन है, आप काइन मास्टर से बहुत अच्छी तरह से आप आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। अब जो आवाज़ चाहिए, बच्चे का आवाज़ चाहिए, तो जैसा ही आवाज़ चाहिए आपको, इसमें काइन मास्टर से आप आवाज़ चेंज कर सकते हैं। एनी टाइप का चाहिए, हर एक तरह का आवाज़ इसमें चेंज हो जाता है, देख रहे हैं आप लोग, जो बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देख रहे जो कि क्योंकि बहुत ही अच्छा है काइन मास्टर से आवाज़ चेंज करने के लिए। देख रहे हैं जैसा भी आवाज़ चाहिए आपको, यहाँ से आवाज़ आप चेंज कर लीजिए। अगर वापस फिर से नॉर्मल पे आप जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपका जो पहले से आवाज़ है वही आवाज़ हो जाएगा, नॉर्मल में जाएगा तो जो आपका सही आवाज़ है वो आवाज़ हो जाएगा, और नीचे जैसे जैसे आप दबाइएगा आपका आवाज़ चेंज हो जाएगा। ये देखिए अभी जैसे नॉर्मल पे क्लिक किए, पहले जैसा आवाज़ आने लगा, और जैसे ही नीचे क्लिक कीजिएगा आपका आवाज़ चेंज हो जाएगा। ये देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।